की सूचना पर थाना हाथरस जंक्शन आरपीएफ पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से रेलवे की ई टिकट बनाने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरपीएफ पुलिस की गिरफ्तार में आए व्यक्ति के पास से अवैध 750 से अधिक कंप्यूटर प्रिंट रेलवे ई टिकट बरामद किए गए। आरपीएफ पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से ई टिकट बनाने वाले व्यक्ति को जेल भेजा है। जी हां, आपको बता दें, हाथरस जिले के थाना आरपीएफ हाथरस जंक्शन प्रभारी हरिकेश मीणा को रेलवे बोर्ड से सूचना मिली कि हाथरस जिले के थाना कोतवाली शास्त्री क्षेत्र के मोहल्ला विष्णुपुरी निवासी राहुल जैन पुत्र लाल जैन अपनी पर्सनल यूजर आईडी से अवैध तरीके से रेलवे की ई टिकट बना रहा है। रेलवे बोर्ड से मिली सूचना पर थाना आरपीएफ हाथरस जंक्शन प्रभारी हरिकेश मीणा ने छापामार कार्यवाही करते हुए दुकान से अवैध रूप से रेलवे की ई टिकट बनाने वाले राहुल जैन को गिरफ्तार करते हुए 750 से अधिक कंप्यूटर प्रिंट ई टिकट बरामद किए। वहीं आरपीएफ थाना प्रभारी हरिकेश मीणा ने बताया कि गिरफ्त में आया व्यक्ति अब तक करीब 10,35,000 रुपए से अधिक रुपयों के रेलवे ई टिकट बना चुका है। गिरफ्त में आए व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उसको जेल भेज दिया गया। ये रेलवे बोर्ड से प्राप्त सूचनाएं होती हैं, जो भी ई टिकट लोग अवैध रूप से बनाते हैं पर्सनल यूजर आईडी पर, उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले 15 दिन हो गए लगभग, तो दबिश लगातार दी जा रही है। ये रेलवे बोर्ड से आईडिया प्राप्त होती है, तो आज सीपीडीएस टीम आगरा आई थी और डिटेक्टिव विंग अलीगढ़, और हम लोगों ने मिलकर यह सासनी में राहुल को अपनी पर्सनल 11 यूजर आईडियों पर लगभग 770 भूतकाल की टिकट, जिनकी कीमत लगभग 10,35,000 रुपये है, उसको पकड़ा गया है और उसके खिलाफ मुकदमा कायम है। इनके पास से क्या क्या सामान बरामद किया गया? सामान उसके पास में जो अवैध रूप से जो टिकट बनाता है उसका प्रिंटर, लैपटॉप, दोनों चीजें बरामद हुई। इसने अब तक रेलवे को कितने लाख रुपए का चूना लगाया गया है? ये तो आईआरसीटी से मालूम जानकारी हम लेंगे उसके बाद।